हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि 2018-19 में इलाहाबाद जोन की कितनी कटाव गई थी और अब की बार की कितनी कटाव होने वाली है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आरआरबी ग्रुप डी जो है 2018-19 में टोटल वैकेंसी जो है 62,927 वैकेंसी जो है थी, जिनमें से टोटल अप्लाई फॉर्म जो है 1.89 करोड़ के लगभग जो है फॉर्म जो है अप्लाई किए गए थे। तो इसी को मैं एक पैमाना मान के, पैरामीटर मान के बताऊंगा आप लोगों को कि अब की बार का एक्सपेक्टेड कटा कितना जा सकता है। ये 2018-19 का जो है डिटेल्स है, जिसमें हम आप लोगों को बताए हैं कि इतने फॉर्म पड़े हुए थे। और मैं इलाहाबाद जोन की बात करूँ तो वहाँ लगभग वैकेंसी जो है, अब इलाहाबाद जोन में वैकेंसी थी 2018-19 में 5,000 वैकेंसी, अप्रॉक्सीमेट 5,000 वैकेंसी थी 2018-19 में इलाहाबाद जोन में 5,000 अप्रॉक्सीमेट वैकेंसी थी। तो मैं इसी पैरामीटर्स को देख के आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ अब की बार जा सकती है इलाहाबाद जोन की, जो कि मैं इलाहाबाद जोन से ही बिलोंग करता हूँ। तो मैं पहली वीडियो सोचा कि इलाहाबाद जोन से ही बनाऊँ ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, पहले वीडियो इलाहाबाद जोन, फिर ऐसे ऐसे हर जगह डिफरेंट डिफरेंट जोन्स की मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की केवल बात की जाएगी। तो मैं कट ऑफ पे ले चलता हूँ आप लोगों को। कट ऑफ जो है 2018-19 की कट ऑफ गई थी, जो कि फाइनल कट ऑफ थी, जो कि अनरिजर्व की कट ऑफ थी 74.57579, और वहीं OBC की 69.78740, और वहीं SC की 62, और ST की 50.12207 इतनी गई थी। और वहीं एक्स सर्विसमैन मीन्स जो रिटायर ऑफिसर्स होते हैं वो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे कोई नेवी से बिलोंग करता है या एयरफोर्स से, तो उन सब की जॉब कम होती है, तो वो भी लोग 40 साल के पहले ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी इतनी कट ऑफ गई थी। जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए 40 गई थी, जनरल की, OBC की वहीं 30, SC की वहीं 32, और वहीं ST की 33। और वहीं CCA की बात करें तो CCA एक विभाग आता है जो कि ग्रुप डी में ही है, उसमें कट ऑफ जो है डिफरेंस आता है, तो 41.16811 ये कट ऑफ जनरल की, और 30.34260 ये OBC की, SC की 30, और ST की 36.44781, ये कट ऑफ 2018-19 की है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोगों को लेकर चलता हूँ 2019-20 की टोटल वैकेंसी और फॉर्म फिलअप कितने किए गए हैं, इसके बारे में जानकारी मैं देता हूँ। तो टोटल वैकेंसी यहाँ 1,03,769 वैकेंसीज हैं, जिसमें से टोटल फॉर्म पड़े हैं 1,25,88,524 टोटल फॉर्म डाले गए हैं। यह पूरे ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी के थ्रू 2019-20 में जो वैकेंसी आई थी उसमें इतने फॉर्म पड़े हुए हैं, मीन्स 2018-19 की अपेक्षा इस बार जो है कम फॉर्म पड़े हैं और वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कट ऑफ कम जा सकती है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब की बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, जो कि 2019-20 की वैकेंसी की। तो जनरल की लगभग मैं मानता हूँ कि 80 से नीचे ही, अगर जो जनरल कैटेगरी से अगर वो 80% मार्क्स लाता है या 80 मार्क्स लाता है तो उसका जो है सिलेक्शन पक्का मान के चलिए, फाइनल कट ऑफ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर वहीं OBC है तो 75% उसको रहना पड़ेगा, और वहीं SC है तो 70% रहना पड़ेगा, और ST है तो उसको 60% रहना पड़ेगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, कमेंट्स शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।